Hair problems no more. Part 3. Welcome back to my channel. मैं हूँ निष्ठा त्रिवेदी और आज की जो वीडियो है ये है पार्ट थर्ड ऑफ माई हेयर ट्रीटमेंट सीरीज. अगर आप ये जो लास्ट टू पार्ट्स हैं यानी पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको वहाँ दोनों वीडियोज मिल जाएंगी. तो देखते हैं पार्ट थर्ड में क्या है और लेट्स बिगिन. तो थर्ड स्टेप या प्रोसीजर है इस हेयर ट्रीटमेंट का, वो है एक हेयर ऑयल. ये हेयर ऑयल आपको सिर्फ इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं, आप हो सके तो रेगुलर यूज़ में भी लेके आइए ताकि आपको अच्छे हेल्दी बाल मिल सकें फॉर एवर. और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी इस हेयर को बनाने में, कैसे बनाना है इस हेयर ऑयल को, फिर कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से फ़ायदे हैं इस हेयर ऑयल के. करेंगे अनियन जो कि प्रमोट करता है हमारे बालों की हेयर को, साथ में रिड्यूस करता है बालों का डैंड्रफ. यूज करेंगे करी लीव्स जो कि हमारे पॉल्यूशन जो डैमेज होता है उसे बचाता है, साथ में कंडीशन करता है हमारे बाल. हम इसमें यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल. आप चाहे तो कोई और तेल भी दे सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल में जो विटामिन की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है, ऑलिव ऑयल से भी ज़्यादा. यूज़ करेंगे विटामिन ई, ये कंडीशन भी करता है, साथ में जो हमारा पीएच है उसे मेंटेन करता है. मस्टर्ड ऑयल ये हमारे बालों को कंडीशनर करता है और ये स्कैल्प को भी सूट करता है. एक मिक्सर ग्राइंडर में हम अनियन, करी लीफ और पानी को मिलाकर एक पेस्ट बना लेंगे. आपको एक बहुत ही महीन पेस्ट बनाना है इन तीनों चीज़ों का. अब एक पैन में आपको उस पेस्ट को डालना है और फिर मीडियम हीट पे आपको उस पेस्ट को पकाना है जब तक उसमें बॉईल ना आने लगे. बॉईल आने के बाद आपको जो हीट है वो एकदम स्लो कर देनी है और फिर इसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल. फिर आपको पकाना है तब तक जब तक वो जो फाइबर कंटेंट है इस मिक्सचर का वो एकदम पक ना जाए, और पकने के बाद वो काला काला हो जाएगा यानी चारकोल बन जाएगा और साइड में लग जाएगा और आपके तले में बैठ जाएगा. देखिए तले में चिपकना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए, इसीलिए आप फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम तक नहीं करेंगी, एकदम स्लो पे पकने देंगी. जो तेल में गर्मी होती है वो अपने आप ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा और इसको पका देगा और आपका जो तेल होगा तैयार होगा, फिर आप इसको छान सकते हैं. छानने के बाद इसमें आप एक चम्मच कैस्टर ऑयल और विटामिन ई ऑयल दोनों को मिक्स कर दीजिएगा और फिर आपका जो तेल है वो एकदम तैयार है. ऐसे आपको मार्केट में भी ये हेयर ऑयल मिल जाएगा लेकिन थोड़ा कॉस्ट है वो हाई है, बट आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. सो ये हेयर ऑयल आपको यूज़ करना है एटलीस्ट 2 से 3 बार एक हफ्ते में. एक्चुअली जो पूरा प्रोसीजर है, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको हो सके तो साथ में यूज़ करनी है. आप हफ्ते में 3 दिन आप यूज़ करिए इसको और कम से कम 2-3 हफ्ते लगातार यूज़ करिए ताकि आपको इसका जो इफेक्ट है वो एकदम पूरा दिख पाए इफेक्ट. अगर आप एक दिन यूज़ करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो फिर आपको इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं 3 हफ्ते तक तो आई एम डैम श्योर कि आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा. तो आपको इस हेयर ऑयल को कम से कम 4 घंटे, कोई भी हेयर ऑयल हो इसे क्या, आपको हेयर ऑयल को रखना ही होगा कम से कम 2 से 4 घंटे, उसके अंदर से वॉश कर सकते हैं. सो ये हेयर ऑयल आपके जितने भी जो बाल टूटने की प्रॉब्लम होती है और इस तरह जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये उसको मेंटेन करके रखेगा ताकि आपके जो बाल हैं वो लॉन्ग रन में हेल्दी रहें. और आप हो सके तो इस ट्रीटमेंट को हर महीने एक बार आप यूज़ करिए ताकि आपके बाल हमेशा हेल्दी बने रहें. और एक बात याद ज़रूर रखिएगा कि सिर्फ ये सब करने से नहीं होता, आप अगर नहीं अच्छे से खाते पीते हैं, अगर अपनी आप लाइफ स्टाइल नहीं अच्छी रखते हैं तो आप कितने प्रोडक्ट्स लगा लीजिए महंगे से महंगे, आपको वो रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएगा. चाहे आप कितना मेकअप यूज़ कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जो एक हेल्दी ग्लो होता है, जो एक स्किन में चमक होती है वो आपको तभी मिलती है जब आप अच्छा खाना खाते हैं. इसीलिए हेल्दी फैट्स, बैलेंस डाइट, वेजीज ज़रूर आप कंज्यूम करिए ताकि आपकी हेल्थ और बाल आपके मेंटेन रहें. सो आज के लिए इतना ही गाइस. मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको इस ट्रीटमेंट में से कोई भी प्रोसीजर या किसी भी स्टेप से आपको कोई फ़ायदा होता है, आपकी कोई भी हेयर प्रॉब्लम या हेयर क्वालिटी में सुधार होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ये मेरे लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए फ़ायदा करेगा जो मेरी वीडियो देखते हैं और वो चाहते हैं यूज़ करना, लेकिन सब पे यकीन नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता. और ये बात मैं समझती हूँ कि आप किसी भी अनजान इंसान पर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ है तो मे बी उन्हें कुछ ट्रस्ट
जो और वो इस चीज़ को यूज़ करें, तो ये उनके लिए फ़ायदा करेगा, साथ में मुझे भी मेरे चैनल को ग्रो करने में फ़ायदा करेगा और मुझे भी सपोर्ट करेगा। सो इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज़ का कोई फ़ायदा होता है, आप यूज़ करते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है वो चीज़, तो प्लीज़ उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ मेरे लिए करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्रेस करिएगा उस बेल बटन को ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ डालती रहूँ आपके लिए, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहे हर हफ्ते। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।